This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासर अथवा भौमवासर भाद्रपद शुद्ध सप्तमी दिनांक 14 सप्टेंबर 2021 चरक विमात्मा अध्याय एक प्रकृति विषय संवाद शंखं चक्रं जलकांदर तनुतगतं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याशुककरुलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं पटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्सशिष्येभ्यो यत्र दत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको दुष्टश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रथमवति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षत आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत्नि सप्तमः प्रथमं तंत्रकर्तारं अग्निवेशं नमामि शांति 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 तथा युक्त ही समुदाय समुदाय प्रभाव तत्व एवं उपलब्ध है तथो द्रव्य विकार प्रभाव तत्व व्यवस्थित तो उस प्रकार के समुदाय में जिसमें विकृत विषम समवाय हो अन्य विकल्प नहीं ही विकल्पिता ना हो नाना प्रकार नानात्मक हो इस प्रकार से वहां समुदाय तत्व को ही जाने और फिर तत्व द्रव्य विकार प्रभाव तत्व व्यवस्थित उसके आधार पर द्रव्य और विकार के प्रभाव का तत्व जानना तो काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। और जहां केवल जो अवयव है उनके गुणतर्वों के आधार पर इस प्रकार से निश्चित कर पाना मुश्किल हो जाता है कि समुदाय जो है उसका प्रभाव तत्व क्या होगा इस प्रकार से वहां सभी जगह ये सूत्र काम में आता है। तो समुदाय प्रभाव तत्व एवं उपलब्ध अब ये कहां से मिले ये एक अहम मुद्दा है। तो ग्रंथों में जिसके बारे में जिक्र किया गया है वो हम समझ लेवे ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का। अभी ग्रंथों में किस प्रकार से औषध द्रव्यों के गुण कर्म बताए जाते हैं उसमें से जिसका समर्थन हम उनके घटक द्रव्यों के आधार पर कर सकते हैं वो अच्छी बात है, उसमें कोई ज्यादा संदेह की बात नहीं। जैसे ही कि गंगाधर शास्त्री गुणे ने उनके सभी किताबों में औषध गुण शास्त्र 105 भाग इस प्रकार से विभिन्न औषध द्रव्यों के बारे में संयोगों के बारे में बताया है और इसमें पारद है, पारगंधक है, सुवर्ण है, इसके लिए ये इस प्रकार का काम करता है इस प्रकार से उसके बारे में बताया है। लेकिन वही सिर्फ तरीका होगा ऐसा नहीं कह सकते, ये एक तरीका है लेकिन
जब कुछ अलग ही मुद्दे उसमें से उभर आते हैं तो उसके बारे में कैसे सोचना है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब ये भूत विश्व वगैरह के बारे में जो रेफरेंसेस आ रहे हैं, साधारण रस, उपरस, महारस वगैरह के बारे में, वो एक अलग बात है क्योंकि वो तो सिंगल द्रव्य है और मूल द्रव्य के गुणधर्म बता रहे हैं। तो उसमें ये भूतनाशक है, विषनाशक है, ये उसका प्रभाव इस प्रकार का है, उसको कैसे जाना गया। तो कोलटकर सर कहा करते थे कि बृहत्त्रयी में बुरुचि हरिदकी वगैरह के बारे में कुछ वर्णन है, हरिदक के बारे में विशेषता वर्णन है, और ये वर्णन बाद में जो भाव प्रकाश वगैरह निकल हुए उससे मिलता जुलता इस प्रकार का, या भाव प्रकाश में उसी से लिया होगा, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन बाकी वनस्पतियों के बारे में ये वर्णन बृहत्त्रयी में नहीं है। तो ये ट्रांजिशनल फेज जो आ गई, निघंटु सब्जेक्ट होंगे, उन्होंने किसके आधार पर उसके गुण कर्म बताइए, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और उसमें अगर हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं तो थोड़ा ऐसा है कि रोगग्नता है, दोषग्नता इस प्रकार की है, और फिर अगर दूसरों पर कोई असर है तो उसके बारे में वर्णन इस प्रकार का आया है, जैसे कि मलानुलोमन, पातानुलोमन वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और बाकी शारीर आदि भावों के संदर्भ में अगर कुछ रेफरेंसेस है तो वो एक अलग हिस्सा इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उन्होंने किसके आधार पर ये सब बातें बताई, ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो ये सिंगल द्रव्यों के बारे में, एक ही द्रव्य के बारे में ये स्थिति है। जब संयोग बद्ध है, संस्कार होते हैं, तो परिस्थिति और गंभीर हो जाती है। और कैसे उसके बारे में सोचे, ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और ये बात मैं कर रहा हूं, ये द्रव्यों के बारे में इस प्रकार की बात कर रहा हूं, विकार का प्रभाव तत्व भी इसी प्रकार से समझे, ऐसा कहना है। अब विकार कैसे निर्माण होता है, सर्वकुपितो दोषः समुत्थान विशेषता स्थानान अंतराणि च प्राप्त विकारान पूर्तिः, वही दोष प्रकुपित होकर अन्य स्थानों में जाकर विभिन्न प्रकार के विकारों को निर्माण करता है, ये जो बात बताई गई है। तो ये सत्कार्यवाद से आरंभ करके आरंभवाद में पहुंच जाना इस प्रकार का। तस्मात विकार प्रकृति ही अधिष्ठानांतराणि च उद्भवा हेतु विशेषांश कुर्यात् चिग्रहं कुर्यात् उपकरणम्। तो विकार की प्रकृति जाने, विकार का स्वभाव क्या है ये जानने की कोशिश करें। तो कैंसर का प्रभाव एक जगह से दूसरी जगह फैल जाना, उसके जो मेटास्टेसिस होता है, ये इस प्रकार का उसका प्रभाव है या स्वभाव है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो उसी तरीके से जो भी नए नए विकार इस प्रकार से उभर आएंगे, उन सभी के बारे में ये सोचना बहुत जरूरी होगा कि उनका स्वभाव क्या है। तो समुदाय प्रभाव तत्व यही उसमें जानने की आवश्यकता है। थोड़ी हद तक हम सत्कार्यवाद का सहारा ले सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से सत्कार्यवाद उसका समर्थन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो अवयव है वह उससे अवयवी भिन्न ही है। अब ये बात ऐसी होती है कि उसको जानने का तरीका क्या रहेगा, ऐसी अगर स्थिति है तो उसको कैसे हम जानेंगे। तो ग्रंथोक्त जो उदाहरण है उन्हीं के आधार पर समझने की कुछ कोशिश करेंगे, और उसके आधार पर नए द्रव्य हो, नए कॉम्बिनेशंस हो, नए संस्कार इस प्रकार के हो,
उसके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे। तो मूल रूप से कारणों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। समुत्थान विशेषता ये जो बात बताई गई है, तो कारण किस प्रकार के, जैसे मैंने हाइब्रिडाइजेशन ये मेन कंसेप्ट है और उसमें शुक्र धातु का हनन किया गया है, जो बीज बनेगा वो निर्बीज किस प्रकार का रहेगा, ये बात जो ध्यान में आई। तो इसलिए शुक्र दृष्टि यहाँ पे है, कैंसर में है, ऐसा समझकर शुक्र शोधन ग्रंथ का प्रयोग हर व्यक्ति में करना है, ये मैंने सोच लिया। और फिर उसके आधार पर मैंने ये शुरू किया। अभी मैं हर मरीज में ये शुक्र शोधन ग्रंथ वाले द्रव प्रयोग में लाता हूँ, इस प्रकार का है। तो ये जैसे विचार हुआ कि ये प्रभाव इसका किस प्रकार का है, तो शुक्र धातु की दृष्टि हुई है, कैंसर का प्रभाव किस प्रकार का है, कि उसके शुक्र धातु की दृष्टि हो गई है। और फिर दूसरे कौन से इन्वॉल्व हो गए और किस प्रकार का कैंसर निर्माण होगा, अवस्था क्या होगी, ये सब बातें बहुत सारे बातों पर निर्भर है। शारीरिक बल कैसा है, मानस बल कैसा है, यहाँ से लेकर किस प्रकार का हेतु सेवन, कितनी देर से चला आ रहा है और कितनी मात्रा में चला आ रहा है, इसके आधार पर दोष जो है वो कितने निर्माण हुए होंगे, कितने गंभीर में गंभीर अवस्था में चले गए होंगे, इन सभी के बारे में सोचना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है इस सभी का कि कारणों के आधार पर जानने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी कार्य अलग ही रहेगा। आरंभवाद है, जो विकार निर्माण होता है तो आरंभवाद वहां पे है, और इसीलिए तो आयुर्वेद इतना इलेबोरेट बना, नहीं तो सिर्फ दोषों के आधार पर चिकित्सा दी जाती। कौन सा भी रोग हो, केवल दोषों के प्रकार देखो, उनके गुण देखो, उनके कर्म देखो, और उसके विपरीत चिकित्सा में क्या प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में सोचो, तो किसी भी रोग की चिकित्सा त्रिदोष सिद्धांत के आधार पर आसान हो जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये केवल त्रिदोष सिद्धांत सत्कार्यवाद से काम नहीं होता, क्योंकि ये जो सम्मिश्रण होता है दोष दूष्य वगैरह का, और उसके जो भेदक उसके कारण वगैरह है, वो अंशांश विकल्पना है गुणों की, उसके आधार पर जो भी रोग बनेगा उसकी भी खासियत इस प्रकार की रहेगी, और ये अलग ही माहौल निर्माण होगा। और इसीलिए ये ज्वर, रक्त पित्त शोष वगैरह इस प्रकार के बहुत सारे विकारों के बारे में ग्रंथ में जिक्र किया गया है, नहीं तो आयुर्वेद बहुत आसान इस प्रकार का हो जाता। तो वहां दोष इकट्ठा आकर या दोष दूष्य इकट्ठा आकर जो विकार की निर्मिति करते हैं वो एक अहम चीज है, और उसका स्वभाव जानने के लिए वो किस तरीके से निर्माण हुआ है ये जानना बहुत जरूरी इस प्रकार का। और जब ये बात जानेंगे तो उसके लिए क्या चिकित्सा करनी है, कौन सा सूत्र इस्तेमाल में लाए हुए हैं, ये समझ पाएंगे। इसीलिए मैं शुक्र शोधन ग्रंथ पर क्यों उतर आया। तो यहाँ शुक्र का उसमें हनन हुआ है हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में, और इसलिए शुक्र शोधन ग्रंथ प्रयोग में लाना जरूरी है, ऐसा सोचकर मैंने उसका आरंभ किया। तो इसी तरीके से सभी रोगों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, और नए नए रोग आते भी रहेंगे, ऐसी स्थिति नहीं है कि अभी हुआ वो हुआ, अभी आगे कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं। हर 50-100 बरस के बाद शायद नए नए विकार आते रहेंगे और नए नए कॉम्बिनेशंस आहार के भी बनते रहेंगे। तो इसमें अभी जिस प्रकार के परिवर्तन अभी आया है उसके कोई कुछ कुछ अलग इस प्रकार का परिवर्तन आगे भी आ सकता है। तो ऐसे हालात में हमें सजग होना है और क्या हो सकता है ये देखना जरूरी है।
तो स्वभाव समुदाय प्रभाव तत्व ये कैसे जाने, ये एक बड़ी समस्या है। और मैं भी सोच रहा हूँ कि समुदाय का प्रभाव कैसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आहार्य द्रव्यों के बारे में या औषध द्रव्यों के बारे में या फिर रोगों के बारे में, इसके बारे में भली भांति सोच सकेंगे। और उसका रोग का स्वभाव, रोग की प्रकृति हमारे ध्यान में आएगी, तो उसके आधार पर कुछ बात बनेगी। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। एक बार टीका देखते हैं। अथ कथम तरह द्वितीय विषम समवाय प्रभाव ज्ञान विद्या तथा युक्ति। तो ऐसे हालात में विकृति विषम समवाय प्रभाव ज्ञान किस प्रकार का, तथा युक्त समुदाय इति विकृति विषम समवाय समुदाय प्रभाव तत्व इति मेलकता प्रभाव तत्व। समुदाय प्रभाव यानी कि मेलकता प्रभाव। समुकृते ही मधु सर्पिषि सूर्यावर्ताख्य वा दोष समुदाय न संयुज्यमानं मधुकृत गुणक्रमानुगतम मारकत्वं न च वातादि दोष प्रभावगतम सूर्यवृत्त्या वर्तिष्णुत्वं सूर्यावर्तस्य किंतु संयोग महिमा महिम कृतम एव इत्यर्थः। मध और घृत अगर समान मात्रा में लिए जाते हैं, किंवा सूर्यावर्ताख्य जो दोष समुदाय है न संयुज्यमानं मधुकृत गुणक्रमानुगत क्रमागतम मारकत्वं न च वातादेशो दोष प्रभावगतम सूर्यवृत्त्या वर्धिष्णुत्वं सूर्यावर्तस्य। लंजी हुआ है ये थोड़ा सा। तो वातादि दोष प्रभावगत ये सूर्यवृद्धि वृद्धिष्णुत्वं सूर्यावर्तस्य ये नहीं है, ये तो सही है। उसका एक अलग स्वभाव है कि वह सूरज की तरफ मुड़ता रहता है इस प्रकार से। घृता और मधु सम प्रमाण में नहीं लेने हैं प्रायः, लेकिन उसके अपवाद भी है। जैसे ये व्योषादि सत्व तो है, इसमें तैल घृता और मधु तीनों संभाग लिए गए, तो फिर भी वो मारक नहीं है, क्योंकि ग्रंथकारों ने संयोग बताया है। उसके साथ जो तैल है या फिर बाकी द्रव्य है, उसके आधार पर संयोग महिमा से वो मारक नहीं होता, इस प्रकार का बात हो सकती है। तो मधुकृत गुण क्रमानुगत मारकत्व, ये संभाग में अगर मधुकृत लेते हैं तो वो मारक है, ये जो बात बताई गई है, उसके भी अपवाद इस प्रकार के है। यथा गतिद्वयं दोष रसमेलकस्य तेन प्रकृति समसमवाय रूपं सन्निपातं गतनिदाने दोषलिंगमेलकेन एव उक्तम्। दोष और रसमेलक दो प्रकार की उनकी गति होती है। तो प्रकृति समवाय समसमवाय रूप जो सन्निपात है गतनिदाने दोषलिंगमेलकेन एव उक्तम्। दोषलिंग उनके मेलक से सभी दोषों को लिंग इकट्ठा करके उसके बारे में समझना चाहिए, इस प्रकार से बता दिया। यद उत्तम पृथक उक्त लक्षण संसर्गात द्वांद्विकम अन्यतम सांद्विपातिकम व जौनिकम। और उस उक्त लक्षण से अलग द्वांद्विक अन्यतम संधिपातिकम, दूसरे भी संधिपात इसमें हो सकते हैं, द्वंद्वज होते हैं और संधिपातज भी होते हैं जिसकी निर्मिति अलग तरीके से होती है। सृष्टि उत्पत्ति होता नाथ से पंचीकरण एक्सेट्रा तन्मात्र तन्मात्र पासून ते आज दिसणाऱ्या कार्य द्रव्यापर्यंतच प्रवास अभ्यासला मग समुदाय प्रभाव तत्व विशेषी काही कळू शकेल असे वाटते। भी ये टेढ़ा है, बताना थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। वो को जानने की कोशिश होनी चाहिए, उसके बारे में कोई संदेह है।
नहीं है। और सभी जगह विकृति विषम समवाय होगा ऐसा भी नहीं बता सकते। जैसे मैंने शरबत का उदाहरण दिया था कि वो प्रकृति संघ समवाय से कफों को बढ़ाना और वात को कम करना ये काम करता है, और जिसकी आवश्यकता ग्रीष्म ऋतु में होती है इस प्रकार से। लेकिन ऐसा ही सभी जगह होगा ऐसा भी नहीं बता सकते, इसमें परिवर्तन अन्य तरीके से आ सकते हैं इस प्रकार से। यस्तु विकृति विषम समवे तस् त्रिदोष कृतो ज्वरस्तस्य चिकित्सते क्षणे दाहा क्षणे शीतम इत्यादिना लक्षणम् उक्तम्। अब विकृति विषम समवे इस प्रकार का जो त्रिदोष कृतो ज्वर है उसका लक्षण अलग से आया है। नहीं शावरक्त कोष्ठोत्पत्त्यादि तत्र उक्तम वातादिज्वरे क्वचिद अस्ति। वहां पे जो शावरक्त वगैरह कोष्ठोत्पत्त्यादि कोठानाम शावरक्तानाम मंडलानाम च दर्शनम ये जो बताया गया है वात ज्वर में कभी होता नहीं है। तो केवल वात में केवल पित्त में केवल कफोज्वर में ये लक्षण नहीं है, किंतु ये कुछ अलग ही लक्षण इस प्रकार से उभर आते हैं ऐसा कहना है, और वो विकृति विषम समवाय के जरिए होता है। एवं रसे भी यत्र आम्राते मधुरत्वं प्रकृति समसमवेतम तत्र आम्रातम मधुरम वेतन मात्रम एव उक्तम तेन मधुर सामान्य गुणाना गुणागतम तस्य वात पित्त हरत्वं लभ्यते। शीतम वीर्येण द्रव्य द्रव्यम मधुरम रसपाकयोः। ये जो बात बताते हैं कि जो शीत वीर्य है और मधुर रस मधुर विपाक है, तो उससे उसमें रस के अनुसार ही द्रव्य के गुणधर्म बता सकते हैं, इसको वो अलग बताने की जरूरत इस प्रकार के नहीं है। ये जो मैंने ट्रांजिशन कहा कि बृहत्त्रयी से लघुत्रयी जो ट्रांजिशन हुआ उसमें द्रव्यों के प्रभाव के बारे में कैसे सोचेंगे। उन्होंने तो लिख दिया है भाव प्रकाश वगैरह निघंटी उन्होंने ये द्रव्य का प्रभाव किस प्रकार का है ये लिख दिया है, लेकिन नए द्रव्य सामने आते हैं तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे ये बड़ा दिक्कत का मामला है। जैसे सोयाबीन वगैरह अभी आ रहे हैं इस प्रकार से, तो वहां मधुर रस है तो उसके आधार पर शीत वीर्य है, तो मधुर रस के जो गुण कर्म है वात पित्त शाम वगैरह ये सभी उसमें रहेंगे, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत इस प्रकार की नहीं। तत्र अमरातम मधुरम इत्येतन मात्र मधुरम एतन मात्रम एवं उक्तम तेन मधुर सामान्य गुणा गुणागतम तस्य वात पित्त हरत्वम भी लभ्यते। यन्न यत्र वात वार्ताकम कटुतिक्तत्वेन वातकरत्वम प्राप्तम अपि च विकृति विषम समवाय तन्न भवति तत्र आचारणे वार्ताकम वातज्ञान इति उक्तमेव। तो जन्मे भी प्रचलन है कि वार्ता का वात करने वाला है बैंगन जो है वो, लेकिन वास्तव में ग्रंथों में जो गुणधर्म है उसके अनुसार वो वात शामक। तो हमने खामखा ही वातार्थ को दूषित कर दिया या निंदित बना दिया। अब सामान्य रूप से जब ये पथ्य बताया जाता है तो वातुर मत खाओ, इसमें आलू और बैंगन ये दोनों खाओ इस प्रकार से, चना ये मत खाओ इस प्रकार से बताया जाता। लेकिन आलोचने की बात अलग है, वो वातकरण है लेकिन वार्ता का वातकरण नहीं है, फिर भी उसको लोगों ने इस पे गिन लिया और फिर उसके आधार पर ये नहीं खाना है। और दूसरी जगह क्षेमकोत्तलम में श्लोक है भोजन दिग वार्ताकम दिगवृत्तकम, जिस भोजन में वार्ताक नहीं हो उस भोजन का दिक्कत वार्ताकम दिगवृत्तकम, अगर सवृंत इस प्रकार का वार्ता करनी है तो उसका भी दिक्कत हो। सवृंतम दिगत इलाट, अगर
तेल उसमें ज्यादा नहीं गया तो नाला गया, तो वो भी उसका भी दिक्कत है। सतैलम निगर आमठन, और तेल अच्छा है फिर भी अगर हिंगू नहीं डाला गया तो भी उसका दिक्कत है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि वारपा टाइप की सब्जी जो बननी है बैंगन की, उसमें हिंगू तेल ज्यादा होने चाहिए और सवरुद्ध उसको काटना है और फिर उस प्रकार की सब्जी बनाना। तो ये क्यों आया इस प्रकार से? तो उसके जो गुणकर्म है उसमें अगर हम परिवर्तन लाना चाहते हैं तो ये बात अहम इस प्रकार की रहेगी। और दोषों को कम करके गुणों की वृद्धि करने के लिए ये अच्छा है, और वैसे रुच्य है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां पे अलग गुणकर्म है वो उन्होंने ग्रंथकार ने खुद लिख दिए है इस प्रकार से। एवं इत्यादि तत्त्व उदाहरण शास्त्र प्रस्तुतम अनुसरणीयम यत् प्रकृति समसमाया कृत्रिमाय कृत रस दोष गुण द्वारा प्राथम्य विदर्विकरण विकार लक्षण से ब्रूते तत् प्रकृति स्पष्टात्म। तो प्रकृति समसमवाय से कृत जो रस दोष गुण द्वारा इस प्रकार का काम होता है, द्रव्य गुण और विकार लक्षण बताते हैं, वो प्रकर्षार्थ और स्पष्टार्थ के लिए है। लेकिन इसमें अगर विकृति विषम समवाय होता है, लेकिन ये उन्होंने बात बताई थी कि तस्मात रस प्रभावतश्च द्रव्य प्रभावतश्च दोष प्रभावतश्च विकार प्रभावतश्च तत्त्वं उपदेशयामः। तो रस प्रभाव, द्रव्य प्रभाव, दोष प्रभाव और विकार प्रभाव, इसके आधार पर तत्व जो है वो बताते रहेंगे इस प्रकार से। उपसंहरते तस्मात इत्यादि तत्वमिति रसादि प्रभाव तत्वम यत्तु पूर्वं तत्रादो रसद्रव्य दोष विकार प्रभावान् उपदेक्षामः इत्यनेन रसादि प्रभाव व्याख्यान प्रतिज्ञातं प्रतिज्ञानं कृतं तत्तु रस प्रभावानुमानेनैव द्रव्य प्रभाव कथनं तथा दोष प्रभावेण च विकार प्रभाव कथनं चरितार्थं स्यात्। तो रसादि से दोष और दोषों के आधार पर रोग, इसके बारे में बता सकते हैं अगर इनको रस और दोष को भली भांति समझते हैं। यह तो विकृति विषम समवायात्मक के द्रव्य विकार एवं रस दोष प्रभावानुमान द्रव्य विकार प्रभावानुमान अस्ति इति कृत्वा पृथक पृथक रसादि प्रभाव तत्व अभिधान प्रतिज्ञानम इति न पौनरुक्तम्। तो यहाँ रस या दोष के आधार पर दोषों के बारे में या विकारों के बारे में कहना मुश्किल है अगर विकृति विषम समवाय अर्थ इस प्रकार का है, तो इसलिए वो उसको अलग इस प्रकार से बता रहे हैं। यह द्रव्याणाम वीर्य प्रभाव विपाक प्रभाव च द्रव्य प्रभाव है रस प्रभाव में अंतर्भावनीय। तो वीर्य प्रभाव और विकार विपाक प्रभाव जो है वो द्रव्य प्रभाव या रस प्रभाव में ही उसका अंतर्भाव करना चाहिए, क्योंकि पहले प्रतिज्ञान में ये पता ही बात बतानी। शुंठी या आर्द्रक मधुर विपाक होती है कटु रस उष्ण वीर्य होने के बावजूद भी, तो इसलिए उसके बारे में अलगता से सोचना जरूरी इस प्रकार का हो जाए। क्योंकि प्रभाव जो विपाक प्रभाव है वो अलग है, कटु कटु उष्ण इसकी कैटेगरी चित्रक जैसे वो अलग रहेंगे, और कटु मधुर उष्ण ये जो शुंठी की कैटेगरी है ये अलग इस प्रकार का हो जाएगा। तो ऐसी हालात में वहां विपाक प्रभाव समझना जरूरी इस प्रकार का है। मधुर रस है लेकिन उष्ण वीर्य है, ये भी एक अलग इस प्रकार की बात हो। कब रस प्रभाव से, कब द्रव्य प्रभाव से, कब दोष प्रभाव से,
इसके पीछे क्या विचार होगा ग्रंथकारों यद्य द्रव्य रसादीनां बलवत्वेन वर्तते अभिभूयतानां तत्तत् कारणत्वं प्रवृत्ति। ये बात बताई गई कि जिसमें जो ज्यादा है शक्तिशाली है वो दूसरों का पराभव करके अपना कार्य दिखाता है। जैसे मिर्च है तो उसमें काफी गुण हो गए लेकिन कटु रस और उष्ण वीर्य ये दो मेजर है तो दोनों के कार्य उसमें दिखेंगे और उष्ण वीर्य बहुत ही ज्यादा इस प्रकार का। तो इस तरीके से जो अशोक परांजपे ने एक अनुभव बताया था कि रक्त प्रदर की बीमारी थी, धातु पुष्कर का उसने प्रयोग किया था, चूर्ण दिया था और वो देने के बाद स्राव बढ़ गया तो थोड़ा आश्चर्यचकित रहा कि बढ़ा क्यों, धातु की तो दशा रसात्मक पर संबंध है शीत वीर्य। तो उसने थोड़ी चख के देखी तो पता चला कि वो अम्ल रस प्रधान थी, हाल ही में निकाली गई थी और सुखा के चूर्ण किया था। वो बाद में कषाय रस उसमें ज्यादा प्रकट होता है, शुरू में अम्ल रस होता है। और जब हमें संधान कल्पना में धातु का प्रयोग करना तो वहां अम्ल रस की आवश्यकता, और जहां उसके कषाय रस के आधार पर संबंध कार्य करना है वहां उसका कषाय रस अभिप्रेत है। अब ये बात अगर सामने नहीं आएगी कि धातु का रस क्या है तो उसके गुणकर्म क्या होंगे उसके बारे में बता नहीं सकेंगे। तो इसलिए ऐसे कई उदाहरण है कि जिसमें रस ही ध्यान में लेना है। इस प्रकार से कहीं वीपाक जो है वो महत्वपूर्ण है, जैसे मैं शुंठी की बात करता आया हूँ कि शुंठी कटु रस उष्ण वीर्य होने के कारण कफकाशन आमाशय करती है और जब नीचे पक्वाशय में आती है तीसरी अवस्था पाक में या अवस्था पाक में छोड़ो कटु अवस्था पाक उसका होता है विपाक होता है तो विपाक में वो मधुर हो जाती है तो वहां भी उष्ण वीर्य और मधुर रस के जरिए पक्वाशय में वात का सेवन करती है। तो प्रवाहिका में और ग्राही है, प्रवाहिका में शुंठी एक श्रेष्ठ द्रव्य है कि वायु प्रवृद्धो निचितम बलासम दुर्भक्तस्ता से यह संप्राप्ति बताई गई प्रवाहिका की कि प्रवृद्ध वायु निचित को नीचे लेके आता है और उसका मूल स्थान आमाशय है वो पक्वाशय में आ जाता है, वहां स्थानिक दोष वात है और फिर उसके रूक्ष और स्निग्ध इन दो गुणों के वजह से कि गर्भ स्निग्ध है वात रूक्ष है पक्वाशय में उसका स्थान है तो एक स्थानत्व निर्माण होता है और इसलिए वो आम या कफ वहां पे चिपक चिपक जाता है। बहुशा प्रभाव कहाँ अल्पम मलाकर, बहुत बार जोर करने के बाद थोड़ा सा मल निकलता है और पेट में दर्द भी होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुंठी अप्रतिम द्रव्य है प्रवाहिका के लिए या अभिसार के लिए इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो यहाँ रस का भी काम है, वीर्य का भी काम है, विपाक का भी काम है और जो ग्राही है जो प्रभाव है शुंठी का उसका भी काम। तो कहाँ रस प्रभाव से होगा, कहाँ वीर्य प्रभाव से होगा, कहाँ विपाक प्रभाव से होगा, ये सब समझ लेना जरूरी इस प्रकार का रहेगा और उदाहरण हमें काफी चाहिए इसके लिए कि जितने भी उदाहरण मिल सकते हैं वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन होगा। और रोग निदान में अलग तरीके से उदाहरण ढूंढे और द्रव्य गुण चिकित्सा में अलग तरीके से उदाहरण ढूंढे, अस्वस्थ वृत्त में अलग तरीके से उदाहरण ढूंढे और ये समझने की कोशिश करें कि ये किस प्रकार से हो रहा है। तत्रैव रसानुगुणो वीर्य विपाक प्रभाव तौ रसे यौ तु रस क्रमोक्त वीर्य विपाक विपरीत वीर्य विपाक तौ द्रव्य प्रभावे बोधव्यौ।
आगे एक सूत्र आया है कि रस प्रभाव होता है, वीर्य प्रभाव होता है, विपाक प्रभाव होता है, प्रभाव प्रभाव होता है, प्रभाव प्रभाव, ये भी एक बात बताई गई प्रकार से। तो यद्य द्रव्य रसादीनां बलवत्त्वेन वर्तते अभिभूय सर्वं तत्त्व कारणत्वं प्रपद्यते विरुद्ध गुण संयोगे भूय स्वल्पं विलीयते, ये भी बात बताई गई है। और रसम विपाकस्तो वीर्यं प्रभावत्तान्य होती बद साम्य रसादीनां नैसर्गिक। अगर रस वीर्य विपाक प्रभाव इनका बल समान है तो विपाक रस को पराजित कर लेता है, उन दोनों को वीर्य पराजित कर लेता है और उन तीनों को प्रभाव पराजित कर लेता है, ये एक आमतौर से बात बताई गई। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसका प्रभाव कहाँ पे होगा ये समझ लेना जरूरी है, और फिर उसके आधार पर निदान में या चिकित्सा में हमें सोचना है, ऐसा थोड़ा सा है। हाँ तत्र एष रस प्रभाव उपदिष्टो भवति द्रव्य प्रभाव पुनरुपदेक्षा। तो ये रस प्रभाव यहाँ पे बताया गया, अनेक रसात्मक द्रव्य अगर है तो भी प्रकृति विषम समवाय से या विकृति विषम समवाय से उसको जान देना है। द्रव्य प्रभाव के बारे में अभी बताते हैं। तैल सर्पिर मधुनी वात पित्त श्लेष्म प्रशमान द्रव्याय, तैल घृत और मधु ये वात पित्त कफ इनके प्रशमन के लिए द्रव्य होते हैं इस प्रकार से। एषेति रसाश्रय इत्यादि तपोपदेक्षाम इत्यंतेन ग्रंथेन उक्ता इत्यर्थः उपदिष्टो भवति इति संक्षेपेण रचितो भवति। अन्ये तु तत्रैष रस प्रभावः उद्दिष्टो भवति इति पठन्ति। अस्मिन् पक्षे द्रव्य दोष विकार प्रभावोपि योत्र उत्तिष्ठासोपि रसद्वारा तेन रसस्य प्रपंच अभी तत्वात् तस्य अभिधानम् उपसंहर्तुं न द्रव्यादिना। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, शब्द छल ज्यादा है कि ये अभी द्रव्य प्रभाव बताने जा रहे हैं, तो रस प्रभाव के बारे में जो भी बताना था वो बताना पूरा हो गया इस प्रकार से। अस्मिन् पक्षे द्रव्य दोष विकार प्रभाव अपि अत्र उद्दिष्टा सोपि रस द्वारा तेन रसस्य प्रपंचाभिहितत्वात् तस्यैव अभिधानम् उपसंहर्ति न द्रव्यादिना। द्रव्य प्रभाव इत्यादो पुनरति सामान्येन द्रव्य प्रभाव कथना पुनः शृंगग्राहिकया तैलादि द्रव्य प्रभाव कथयिष्यामः इत्यर्थः प्रशमनार्थानि इति प्रशमन प्रयोजनानि। इसमें द्रव्य प्रभाव में भी सामान्येन द्रव्य प्रभाव कथना, सामान्य रूप से द्रव्य प्रभाव कथन से पुनः शृंगग्राही शृंगग्राही शायद जो सबसे ऊंचा है अच्छा है उसको उसका ग्रहण करें, तो बाकी के ग्रहण के बारे में ज्यादा सोचने की बात इस प्रकार की नहीं रहेगी। तो तैलादि द्रव्य प्रभाव कथयिष्यामः इत्यर्थः। तो तैलादि द्रव्य का प्रभाव बताते हैं प्रशमनार्थानि इति प्रशमन प्रयोजनानि, प्रशमन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली इस प्रकार से। तो तैल सर्पिर मधुनी वात मधुनी वात पित्त श्लेष्म प्रशमनार्थानि द्रव्याणि भवन्ति। ये जो परमौषध की बात की गई है, यदि जवान दोषाणां क्रमेण परमौषधम् बस्तिर्वीर्य को तथा तैलम घृतम्। तो वात के लिए तैल, पित्त के लिए घृत और कफ के लिए मौन, ये परम औषध किस प्रकार से बताई गई है, श्रेष्ठ औषध बताई गई। तो ये द्रव्य प्रभाव है। वैसे रसों भी स्निग्ध गुरु उष्ण इस प्रकार का है और वो भी वात का श्रवण करता है, इसमें संदेह नहीं। तो उसको प्रधान नहीं माना गया, प्रधान माना गया तिल को या तेल को, तिल तेल को इस प्रकार से। तो ये तिल तेल का प्रभाव है कि ये वात प्रशमन करने में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का।
अभी ये जो मूंगफली आई हमारे यहाँ, ये अफ्रीका से आई। एक होता कार्वर, ये एक मीणा गवर्नकर की किताब है मराठी में, कार्वर के बारे में है, जिसने ये खोज की और उसका उत्पादन किया और उसके बहुत सारे पदार्थ बनाए, और मूंगफली का पूरे विश्व भर में प्रचलन बनाया। अब यहाँ निमय महाराज करके है, जो ट्रेडिशनल मसाज इस प्रकार के है, और एक सेवा इस तरीके से करते रहते हैं। तो उनकी छठी पीढ़ी है के मसाज सेंटर चलाते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए मसाज करते रहते हैं। इसमें एक अहम मुद्दा ऐसा है कि वो मूंगफली तेल का ही सिर्फ प्रयोग करते, तिल तेल का प्रयोग नहीं करते, ये एक बात, और सिद्ध तेल का भी किसी प्रयोग नहीं करते, दूसरी बात। तो उसके जो रिजल्ट्स है, समीर जबदिंदर ने बीच में उनके पेशेंट्स का एनालिसिस करने की कोशिश की थी, और कितने तरीके से पेशेंट है, कैसे उपशम मिलता है, कैसे ठीक होते हैं वगैरह वगैरह के बारे में, ये चालू रहना चाहिए इस प्रकार का जो उपक्रम है वो। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वो सिर्फ मूंगफली का ही तेल प्रयोग में लाते हैं, तिल तेल भी नहीं लाते, और सिद्ध तेल तो खाद भी नहीं लगा। वैसे औषध कोश में मर्दन के बारे में केवल एक आधा पृष्ठ है, लेकिन तेल के बारे में या अभ्यंग के बारे में करीबन 12-13 पृष्ठ। तो समझ सकते हैं कि किस रोग में किस प्रकार से किस तेल से अभ्यंग करना ये कितना महत्वपूर्ण है। मर्दन ये जो क्रिया है उसमें अलग अलग तरीके हैं, और हर व्यक्ति की कला या अलग अलग किस प्रकार की है। उसका रोल इसमें दिखाई देता है, जो हरिशास्त्री ये हरिहोरी में ये जो करते हैं, क्योंकि एक ही तेल का प्रयोग है। लेकिन अगर हम उनका टेक्निक और विभिन्न औषधि द्रव्य में विभिन्न तेल इनका प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो तैल वात प्रशमन में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है, और तैल में भी सिद्ध तेल अगर बनाते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक एक्शन बन जाती है, किस रोग के लिए करना है, क्या करना है। इल महादेव उनकी किताब इस दृष्टि से बहुत अच्छी, कटी ग्रह है, कटी शूल है वगैरह वगैरह, तो किस तेल का प्रयोग करना चाहिए ये देखना चाहिए। अपने पथ्य पेपर मध्ये ने फिल्टर्ड ऑइल वापरावे असे लिहिले आहे, त्यामागचा विचार कसा आहे? थोड़ा अलग है क्वेश्चन, लेकिन पितरोची विजय महाराज साहब का तो कहना था कि तिल तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए, जो ग्रंथों में है, और तैल शब्द तिल से ही बना है, तो तेल कहेंगे तो तिल तेल, ये कॉमन प्रचलन। लेकिन फिलहाल उत्तर भारत में सरसों का तेल प्रचलन में है, और दक्षिण भारत में नारियल तेल प्रचलन में है। वो बीच में थोड़ा परिवर्तन आ गया, नारियल तेल तो उन्होंने बदनाम कर दिया, लेकिन फिर से अभी वो उभर आ रहा। और जो बीच वाला हिस्सा है वहां शायद तिल तेल का ही प्रचलन था। अभी बहुत सारे तेल आ गए हैं, सूर्यफूल से लेकर ये पाम ऑयल, और ये सबसे ज्यादा बिकने वाला है, और फिर कड़ई का है या अन्य भी तेल इस प्रकार से प्रचलन में आ रहे हैं, जैसे सोयाबीन का तेल है वगैरह।
अब मुद्दा ये रहता है कि नेचुरल फॉर्म में कौन से तेल मिलते हैं। तो नेचुरल फॉर्म में तिल तेल मिल सकता है, मूंगफली का तेल मिल सकता है, नारियल तेल मिल सकता है। सरसों के बारे में मुझे थोड़ा मालूम नहीं है कि नेचुरल फॉर्म में प्रयोग करते हैं या भी उसमें भी रिफाइंड आ गए इस प्रकार से। तो रिफाइंड का तो प्रयोग नहीं करना है, उसमें निकेल कैडमियम डाले जाता है, रसायन जो केमिकल्स है इस प्रकार से, और जो प्रोसेस है वो 400 डिग्री तक गर्म करते हैं और फिर ठंडा करते हैं। तो 400 डिग्री तक तेल कैसे रहेगा, वो तो जल जाता है इस प्रकार से। तो हम तली हुई चीजें जैसे खाते हैं उस प्रकार का अगर तड़का खा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो इसलिए नेचुरल स्वरूप में जो ऑयल चुकर है उनका प्रयोग करना चाहिए। अब बात यह बनती है कि तिल तेल के बारे में दोषकृत अचक्षुष, ये दो बातें बताई गई है। अभ्यंग के लिए तिल तेल बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन भीतर जब प्रयोग करेंगे तो दोषकृत, उसमें भी टीकाकार ने अलग अर्थ किया है, तो दोषण को तो दोष का नाश करने वाला। कुछ लोगों का कहना है कि ये दोषण ये जो नाश करने वाला है वो अभ्यंग से है, और भीतर लेने से त्वरदोषकृत जो सामान्य अर्थ होता है खुद का निर्माण करने वाला, त्वरदोष निर्माण करने वाला वो होता, और अचक्षुष है ये दूसरी बात। तो उस हिसाब से मूंगफली का तेल उसी प्रकार का थोड़ा सा है, लेकिन शायद ये जो त्वरदोषकृत और अचक्षुष ये बातें मूंगफली में नहीं है। तो देखा तो नहीं गया वैसे, तिल तेल के बारे में भी ऑब्जर्वेशन नहीं है इस प्रकार। और जो उसके ऊपर संस्कार करने हैं तेल के ऊपर, वो तड़के का संस्कार अभी तो होता है, लेकिन संमूर्छना करके तेल का वापर करना चाहिए, ऐसा पुराने जमाने में था। तो वो बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये अभी प्रचलन उसका छूट गया तिल तेल का खाने के लिए, अभ्यंग के लिए अभी भी तिल तेल ही है, लेकिन खाने के लिए प्रचलन कम हो गया। और ये शायद बात में इस बात को ध्यान में रखते हुए मूंगफली का प्रचलन वैसे ही चल रहा है, वो हीट स्टेबल है। अभी ऑलिव ऑयल भी प्रचलन में है, विशेषता जो उच्च भ्रू समाज है इसमें, लेकिन ऑलिव ऑयल हीट स्टेबल बिल्कुल नहीं है, तो केवल सैलड ड्रेसिंग के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर हीट स्टेबल ऑयल चाहिए तो तिल का तेल या फिर मूंगफली का तेल प्रयोग में लाना चाहिए, लेकिन अभी उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमने मूंगफली तेल का प्रचलन लाया, क्योंकि वो वैसे भी प्रचार में आ गया है, केवल भारत में नहीं पर विदेशों में आ गया है, और उसके एडवर्स इफेक्ट ऐसे कुछ नोटेड तो नहीं है। तो ठीक है, तिल तेल के बारे में हम सोच सकते हैं कि अगर उसका प्रयोग करना है तो मूर्छना करके प्रयोग करेंगे, और फिर भी अचक्षुष्य वाली बात है तो घी के साथ उसको दे देंगे तो शायद बनता है। कितना प्रेशर कहाँ और किस डायरेक्शन में मसाज, इस पर काफी हद तक परिणाम डिपेंड करता है शायद। वो तो सही है, हम वहां अभ्यंगमर्दन तंत्रज्ञ एक कोर्स चलाते थे तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में, और बहुत सारे वैद्य सिखाने के लिए आते थे, और वो अच्छे मसाजिस्ट भी, आरती देव जिसका अभी निधन हो गया, ऋषिकेश मेत्रे, सिद्ध पावस्कर, घनश्याम मरदास, ये सभी अच्छे मसाजिस्ट भी है। प्रमोद कुलकर्णी भी अच्छा मसाज इस प्रकार का, हर हर एक की ट्रेडिशन अलग है। त्रिलोक कपेश्वरकर भी अच्छा है मसाज। तो मैंने ये सोचा था कि हमारे यहाँ त्रिस्कंद कोश का कार्य चल रहा था तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में,
और साथ में ये कोर्स भी चल रहा था, तो मैंने सोचा था कि एक हम वर्कशॉप अरेंज करेंगे एक या दो दिन का, और इसमें इसके बारे में बहस होगी कि कौन सा तेल किस प्रकार से प्रयोग में लाना है, तो उसके पीछे राज क्या है। ये तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है, और मैनिपुलेशन, ये जो बर्तन का टेक्निक है, वो एक अलग मायना रखता है। हरिहोली मैया के टेक्निक से ये स्पष्ट होता है कि तेल अगर एक ही है तो जो भी परिणाम है उनकी टेक्निक है, तो उसका एक अलग महत्व है। और खास करके वेदना में तेल का प्रयोग होता रहता है। शूलम दत्ते नीला वात के बिना शूल नहीं है। तो फिर वात का शमन करने के लिए तेल सबसे बड़ा बताया गया है, सबसे प्रभावशाली द्रव्य बताया गया है, द्रव्य प्रभाव है उसका, तो तेल का प्रयोग करना है। अब विभिन्न रोगों में विभिन्न प्रकार के तेल बताए गए हैं, और फिर उसका 5-10 या बेहतर बहुत सारे तरीके से बस्ती प्रयोग बताए गए हैं। लेकिन वेदना निर्माण क्यों? चूलम दर्द निलाद, ये तो सही है। वायु धातु क्षय को मार्ग से आवरण, धातु क्षय से कर्क होता है या मार्ग अवरोध से होता है। तो हर मरीज में अगर ये हम भली भांति समझ पाएंगे कि यहाँ वेदना क्यों है, किस तरीके से वात का प्रकोप हुआ है, तो शायद उसको रिवर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे ये इसके बारे में सोच सकते हैं। खास करके कैंसर में वेदना बहुत तीव्र होती है, और वो एक बड़ा ऑब्स्टेकल है कैंसर की ट्रीटमेंट में, कि वेदना को किस प्रकार से कम किया जाए। तो मेरे पास एक मरीज आई थी जिसका इसोफेगस और स्टोमक, इसके बीच में कैंसर था, खाना बिल्कुल नहीं जा रहा था, पेट में मल संचय था, ऊपर से हाथ लगाने से भी मल संचय की प्रतीति हो रही, और लेफ्ट ट्यूमरस और राइट फीमर ऐसा मेटास्टेसिस था, ये भी बहुत अजीब इस प्रकार का था, और बहुत ही दर्द था। सदाशिव वाले क्लिनिक में लेके आए, चद्दर पर उसको रखा था और उठा के लिफ्ट करके ऊपर लेके आए, वो जोर जोर से रो रही थी, बहुत ही वेदना थी। मैंने वहीं पे उसको चेक किया और पता चला कि मल संचय बहुत ही है, तो मार्गा और दुर्जन वात प्रकोप है और उसके जरिए शूल है। तो मैंने कहा कि ये ओपीडी बेसिस पर नहीं कर सकते, उसको एडमिट करो, तो पुनर्समय एडमिट किया। और फिर माया स्नेहन और स्वेदन और ये बस्ती ऐसे शुरू किए, तो मल संचय धीरे धीरे निकलने लगा, बाहर निकलने लगा। अब जैसे मल संचय पूरी तरीके से बाहर आया, वेदना बंद हो गई, बिल्कुल नहीं वेदना। तो ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव था कि जो औरत इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी, वो शांति से सोने लगी। फिर डिस्चार्ज लेकर घर पे गए, चंद्र जी की रहने वाली थी, घर में जाके उसकी डेथ हो गई, लेकिन फिर भी मेरे लिए एक अच्छा अनुभव रहा कि इस प्रकार से ये मल संचय दूर होने के जरिए वेदना कम हुई। मैंने जर्मनी का अनुभव भी बताया था, पीछे 4 बरस का लड़का था और उसको जन्म से ही कैंसर था, ब्लैडर कैंसर, फिर बाद में वो ब्रेन और स्केलेटल मेटास्टेसिस इस प्रकार का हो गया, और उसकी मुख्य तकलीफ पाँव में पीड़ा, वेदना इस प्रकार की, तो जब कभी जग जाता तो रोने लगा। तो उन्होंने एक
गणेश सेक्शन करके पेट में मॉर्फिन की एंट्री भर दी थी। तो हैव सीन हैजार्डस इफेक्ट ऑफ सोयाबीन ऑयल, स्पेशली इट लीड्स टू हेडेक एंड वेरी हैज वेरी बैड इफेक्ट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो। मेनी पेशेंट्स ऑफ स्टमक इश्यू इन हिस्ट्री हैव सीन यूजिंग सोयाबीन ऑयल। या एक्चुअली ऐसा है कि सोयाबीन का एग्रेसिव मार्केटिंग किया गया है और उसका प्रचार करने के हेतु बाकी तेल अच्छे नहीं है ये बताने की कोशिश की गई है, और इसीलिए ये खास करके नारियल तेल के बारे में उन्होंने काफी बहस की है कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो जब मैं पहुंचा तो वो जग गया और रोने लगा। तो मैंने कहा कि आप ये मॉर्फिन का प्रयोग मत करो, मैं कुछ कोशिश करूंगा। और मैंने तो ऑलिव ऑयल घर से लिया, थोड़ा गर्म किया और उसको मसाज किया पूरे कटी से पूरे पांव को इस प्रकार से। तो शुरू में तो उसने रेजिस्ट किया, फिर 15-20 मिनट के मसाज के बाद वो सो गए। तो फिर मैंने उससे उसकी माँ से बोलना आरंभ किया। तो उसने बताया कि उसको बहुत स्ट्रेस था प्रेगनेंसी ना, उसने हेवी स्मोकिंग किया था किसी कारण से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नतीजा ये हो रहा कि बालक को जन्म से ही कैंसर था और अभी वो डेथ बेड पे था, 2-3 दिन में मरने वाला था। तो आश्चर्य की बात थी वो फिर से प्रेग्नेंट थी, ये 4 बरस का था और 7वां महीना चल रहा था। अब उसको इस बच्चे का स्ट्रेस था और इसलिए वो फिर से स्मोकिंग कर रही थी। डॉक्टर ने डांटा, रिलेटिव्स ने समझाने की कोशिश की, कुछ फायदा नहीं। वो बोल रही थी कि नहीं नहीं आई कांट सीम लाइक दिस, आई गेट स्ट्रेस एंड देन आई स्मोक, इस प्रकार से। तो मैंने कहा लुक वी हैव अ डिफरेंट अप्रोच, यू अलोन आर नॉट गिल्टी फॉर दिस। तो फिर चौंक गई। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हें स्ट्रेस था, तुमने स्मोकिंग किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, इस बालक का क्या कसूर है, उसने क्या किया? लेकिन उसको तो भुगतना पड़ रहा है, 4 बरस वो भुगत ही रहा है। तो इसका मतलब ये है ये पूर्व कर्म से संबंधित है और मालूम नहीं है पूर्व कर्म कितना है, क्या है, अगला जन्म किस प्रकार का होगा, उस किसी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन तुम्हारी स्मोकिंग और स्ट्रेस की वजह से तुमने ऐसे दुष्कर्म कर्म करने वाले आत्मा को इनवाइट किया। अब ये बात फिर से दोहराई नहीं जाए, इसलिए तुम तुरंत स्मोकिंग छोड़। उसने मेरा उपदेश माना और स्मोकिंग छोड़ दिया। बीच में उसका पिता भी जाग गया, तो मैंने उसको कहा कि तुम अभी मसाज करो। उसके मसाज के बाद भी वो सो गया। और फिर मैंने कहा कि अगर आपके पास गोल्डन कुछ है क्या, तो बोले गोल्डन कॉइन है, तो दूध में उबाल के दूध तैयार रखो। और जब वो फिर से जग गया तो उसने मुझे भूख लगी, मुझे खाने के लिए दे, इस प्रकार की डिमांड की। तो ये अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको मिलने लगी और वो 2-3 दिन में मरने वाला था, वो 15 दिन तक जिंदा रहा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के एडवांस कैंसर्स में केवल मसाज से, वहां तो ऑलिव ऑयल था क्योंकि दूसरा कुछ ऑयल था ही नहीं, ऑलिव ऑयल था, उससे मसाज किया तो भी उसके अच्छे रिजल्ट्स आए। तो तैल की खासियत है कि वो वात का शमन करने में श्रेष्ठ है, इस प्रकार का कल बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतो निखिल जन कृपा।
आयुर्वेद से वांछन पुनरपि भुवने कांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वंतरिंदम प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो विनूनं वैद्यवर्गो विनूनं। शांति शांति विरम्य थे व्याख्यान का श्वाहा सुदर्शी सुंदर के श्याम।